जय हिंद साथियों, देखिए आज हम देखेंगे भारत का संविधान, इसमें आज हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे। साथियों वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का सबसे पहले देखें तो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको अभी आप नोट डाउन करना, कहां से लिया गया है, अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका को आप याद रखना। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 63 यानी कि आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। सबसे पहले है उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 63, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद पूछ लेता है कभी कभार। तो अनुच्छेद नंबर 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, और अनुच्छेद नंबर 64 में है सभापति। सभापति का मतलब क्या हुआ, तो सभापति का मतलब हुआ कि यह यानी कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। उपराष्ट्रपति है वह, उसको जो सैलरी दी जाती है वो उपराष्ट्रपति के लिए सैलरी नहीं दी जाती है, हालांकि वो उपराष्ट्रपति तो है लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सैलरी नहीं दी जाती है, उसको सभापति के लिए सैलरी दी जाती है क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति होता है। इसको भी आप ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 64 में है। अनुच्छेद नंबर 65 में है यानी कि उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति भी माना जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 65 हो जाएगा। कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 65 में है उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 65। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 66। अनुच्छेद नंबर 66 में है निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 66 में निर्वाचन, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ठीक उसी प्रकार होता है, यानी कि आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, तो उसको आप नोट डाउन करना, सबसे पहले एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, देखा आप इसको देख लेना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। तो उसके बाद देखें तो जो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार सेम है। किस प्रकार, यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग में जो शामिल होता है वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। कौन शामिल होता है, तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और दो एंग्लो इंडियन आपका लोकसभा में और 12 मनोनीत है आपका राज्यसभा में, हालांकि दो एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके चुनाव में भाग लेते हैं और यही राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। इसमें विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेती है। कारण है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्य के लिए कुछ करता नहीं है, तो वो राज्य है वो भाग क्यों लेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद भाग लेती है क्या, तो नहीं लेती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको लिख देना कि भैया लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें दो एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन और इसमें 12 मनोनीत सदस्य, तो एंग्लो इंडियन खत्म हो गया अभी। ठीक है, और इसमें आपको इधर विधानसभा और विधान परिषद, इसको आप क्रॉस कर देना, यानी कि ये भाग नहीं लेती, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 67 कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, 5 वर्ष, लेकिन उसको पहले भी महाभियोग के अनुसार हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग, महाभियोग से, महाभियोग, महाभियोग से उसे पहले हटाया जा सकता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग से हटाया जा सकता है, महाभियोग से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 67 कार्यकाल 5 वर्ष, महाभियोग से हटाया जा सकता है। साथियों जो उपराष्ट्रपति होता है उसका महाभियोग है, यानी कि महाभियोग आपका लोकसभा से शुरू नहीं होगा, वह राज्यसभा से ही शुरू होगा, स्टार्टिंग वह राज्यसभा से करेगा, क्योंकि क्योंकि यह क्या है आपका सभापति है राज्यसभा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको लिखना कि जो महाभियोग होता है, महाभियोग वह स्टार्ट है वो कहां से होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना, लोकसभा से नहीं होगा। अनुच्छेद नंबर 68 में है चुनाव का समय, चुनाव का समय यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव 6 मंथ के अंदर अंदर, जबकि अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यथाशीघ्र होना चाहिए। तो अनुच्छेद नंबर 69 शपथ, शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ है वो दिलाता है कौन, राष्ट्रपति दिलाता है या कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में और क्या फैक्ट है, और फैक्ट क्या हो सकते हैं, तो भैया जो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है सीधा विवाद,
और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति 2023 में यानी कि वर्तमान में कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी हो जाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में ये तथ्य थे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, यही अनुच्छेद थे, इतना ही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, तो लोकसभा राज्यसभा, इसमें दो एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य हो जाएंगे, लेकिन विधानसभा विधान परिषद नहीं होंगे। इसका आपको फैक्ट याद रखना कि वो राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा के लिए कुछ करता ही नहीं है, तो भाग क्यों लेंगे। ठीक सर, और क्या भाग लेना है, और आपको क्या ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग है वो सबसे पहले राज्यसभा से स्टार्ट होगा और शपथ राष्ट्रपति लेगा। इतना ही है, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, इतना ही उपराष्ट्रपति था। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।